जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनएचएम मध्य प्रदेश एएनएम और स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब जानते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। दोस्तों अगर आप स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जहां पर दिया है स्टाफ नर्स, तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आप एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्लिक हियर यहां पर क्लिक करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने वाला हूं वो स्टाफ नर्स का बताने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। अब जो मैं आपको यहां पर जानकारी बताने वाला हूं वही जानकारी आपको इन ऑप्शन के अंदर भरते जाना है। सबसे पहले आप देखोगे अप्लाइंग फॉर पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहां पर आ जाएगा। इसके नीचे है एप्लीकेंट्स नेम, यानी कि आपको यहां पर अपना नाम भरना होगा। यहां पर आपको अपना वही नेम भरना है जो कि आपका 10th की मार्कशीट यानी कि मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अंदर दिया गया हो। नीचे है फादर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम भरना है, और अगर आप अभी अनमैरिड हो तो आपको अपने पिता का नाम यहां पर भर देना है। इसके नीचे आपको अपनी माताजी का नाम देना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देना होगा। इसके बाद है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहां से चूज कर लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी, आपको यहां पर इंडियन ही रहने देना है। अपना जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें अभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है या आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां से आपको पहले अपना जो बर्थ ईयर है बर्थ मंथ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां से अपना बर्थ ईयर सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां से नीचे आना है और फिर अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने यहां से ईयर सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहां से डे सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि एज ऑन 1/8/2019 तक आपकी कितनी उम्र हो जाती है। नीचे है आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हो? अगर आप हो तो आपको यस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहां पर नो करोगे तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो चलिए मैं यहां पर यस कर देता हूं। यस करने के बाद आपके सामने अगली जानकारी आती है मैरिटियल स्टेटस। तो आपको यहां पर अपना मैरिटियल स्टेटस चूज कर लेना है। आप विडो हो, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, तो यहां पर मैं सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करोगे तो आपको यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि आपके कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी भी देनी होगी। यहां पर आता है लास्ट चाइल्ड बर्थ डेट, और यहां पर आपको जो आपके आखिरी बच्चे की लास्ट डेट है उसकी डेट आपको यहां पर देनी होगी। इसके सामने है इज योर लास्ट चाइल्ड बोर्न ट्विन्स, क्या आपके जो आखिरी बच्चा था वो जुड़वा पैदा हुए थे? अगर हुए थे तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है। इसके बाद आएगी अदर इन्फॉर्मेशन, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक्टिव नर्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पर आपको अपना मध्य प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, जो कि आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। इसके नीचे हैव एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट पेंडिंग पनिश्ड, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है जो चल रहा हो, या फिर आप किसी क्रिमिनल केस की वजह से पनिश्ड यानी कि आपको दंड दिया हो? तो अगर इनमें से आप कोई एक हो तो आपको यस कर देना, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये भरनी है। सबसे पहले आती है 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन। तो यहां पर आपको पासिंग ईयर देना है कि किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कंप्लीट की थी। इसके सामने यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी कि किस यूनिवर्सिटी यानी कि किस कॉलेज या फिर किस बोर्ड से आपने अपनी जो 10th पास है वो कंप्लीट की थी। तो यहां पर आप जिस भी बोर्ड से आपने की है उसका नेम लिख देना है। तो यहां पर जैसे कि आप मध्य प्रदेश बोर्ड भी लिख सकते हो। यहां पर आप अपना जिस बोर्ड से की है उसका पूरा नाम देना है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको यहां पर भरना है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, किस कॉलेज से आपने 10वीं पास कंप्लीट किया है उस कॉलेज का नाम आपको यहां पर दे देना है। तो चलिए मैं यहां पर अपना एक
कॉलेज रैंडमली फिलअप कर देता हूँ। अब आता है टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स थे आपके टेंथ के अंदर। जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैंने यूपी बोर्ड से टेंथ की है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यूपी बोर्ड में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 600 होते हैं टेंथ के अंदर। और अब यहाँ पर आपको ऑब्टेंड मार्क्स भरने, यानी कि जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर भर देना है। और जैसे आप परसेंटेज पर क्लिक करोगे तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको ट्वेल्थ की जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर भर देना है, उसके बाद किस बोर्ड से आपने की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर भर देना है, किस कॉलेज से की है वो कॉलेज आपको भर देना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पर भरना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर दे देना है, फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद GNM BSc नर्सिंग कोर्स, यानी कि या आपके पास GNM है या फिर BSc नर्सिंग है, अगर आप जो आपकी ANM की पोस्ट है तो यहाँ पर आपका ANM का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देना है कि किस ईयर के अंदर आपने GNM या फिर अपनी BSc कंप्लीट की थी। तो यहां पर चलिए मैं 2017 फिलअप कर देता हूं, किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से की है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम यहां पर दे देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, यहां पर फिर से आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है जहां से आपने GNM या फिर BSc नर्सिंग कंप्लीट की है, टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको यहां पर भर देने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहां पर आपको दे देना है, परसेंटेज यहां पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपको नीचे आना है और अब आपको यहां पर अपनी कम्युनिकेशन की जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। फिर यहां से आपकी जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश ही रहेगी, इसमें आपको स्टेट के अंदर जो सामने डिस्ट्रिक्ट है इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। मैं आपको बता दूं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो अगर उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे तो फिर आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। चलिए मैं यहां पर एक रैंडम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है, यहां पर आपको अब अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है आपको वही डालनी है। वर्किंग ईमेल आईडी से मतलब है कि आपको इस ईमेल आईडी का पासवर्ड याद हो, क्योंकि आपको ये ईमेल आईडी ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी फर्दर कन्वर्जेशन है वो आपकी ईमेल के माध्यम से ही की जाएगी। यहाँ पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर दे देना है, और अगर आप इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हो तो ये भरने के बाद आप यहाँ पर फ़ोन नंबर में दूसरा नंबर भी भर सकते हो। अब नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, ये कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के अंदर क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ जो आपका निजी एड्रेस है। तो अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये ऊपर वाली जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, आपको ये जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब थोड़ा आप नीचे आओगे देखोगे बैंक डिटेल, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक नेम देना है कि किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर नेम यानी कि आपके अब जो बैंक के अंदर नेम है वो एग्जैक्टली क्या नेम है, आपको अपनी पासबुक के ऊपर से नोट करके यहाँ पर वो नेम डाल देना है। आपके बैंक का IFSC कोड है क्या है वो आपको दे देना है, IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, या फिर आप जो भी आपका बैंक नेम है और जहाँ पर है वो गूगल में सर्च करके बाद में उसमें IFSC कोड लिख देना है, तो फिर गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि आपके उस ब्रांच का IFSC कोड क्या है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे होगा देखोगे सिटी प्रेफरेंस फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम सेंटर, यानी कि आप किस सिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो एग्जाम के लिए। तो यहां पर आपको तीन प्रेफरेंस चूज करनी होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस यहां पर इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं भोपाल सिलेक्ट कर लेता हूं, इसके बाद मैं इंदौर, और यहां पर तीसरा मैं उज्जैन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आपको अपनी मन मर्जी से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेने हैं। अब नीचे आओगे देखोगे अटैचमेंट, यहां पर आपको बेसिकली अपना फोटो अपलोड करना होगा, आपको यहां पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक ये अपलोड करने से पहले आप जान लीजिए कि किस प्रकार का इमेज यहां पर अपलोड हो पाएगा। जो आपके इमेज का फॉर्मेट है वो JPEG, JPG, GIF और PNG फाइल के अंदर है तो आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही मैक्सिमम फोटो साइज यानी कि जो आपके साइज का ज्यादा से ज्यादा साइज होना चाहिए वो 200 KB है, अगर 200 KB से ज्यादा हुआ तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इमेज आप यहां पर अपलोड करोगे उसमें नीचे आपको सिग्नेचर भी ऐड करना होगा, वो किस प्रकार से आप ऐड कर पाओगे मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। अभी जो आप यहां पर देख पा रहे हो ये आपका एग्जांपल है कि किस प्रकार से आपको फोटो के नीचे सिग्नेचर करना है। अभी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपका फोटो होना चाहिए और नीचे थोड़ी सी जगह में आपको अपना सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर कर देना है, और फिर आपको उस इमेज को यहां पर अपलोड करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज ही अपलोड करूंगा, तो चलिए मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं चूज फाइल के, और एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करने वाला हूं जो कि मेरा पर्सनल इमेज नहीं है। तो यहां पर मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं और यह इमेज अपलोड कर देता हूं। जैसे ही आप ओपन इमेज करोगे तो आपका इमेज यहां पर आ जाएगा, आप अपने इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो। तो
चलिए मैं इसको यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्रॉप करोगे तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है ये लिख देना है जो भी आपका है। तो चलिए मैं इसको भर देता हूँ। अब इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे रीड फॉर्म केयरफुली बिफोर सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। पर मैं आपको बता दूँ कि ये सब करने से पहले आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कोई सी भी जानकारी हो, आपको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू एप्लीकेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी इज वैलिड फॉर 15 मिनट ओनली। यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने अभी फिलअप किया था उसके ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यहां पर ओके कर देना है और साथ ही आपको ओटीपी वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाए तो वो आपको ओटीपी यहां पर भर देना है। तो मुझे मेरा ओटीपी मिल चुका है, मैं यहां पर ये ओटीपी भर देता हूं। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड यहां पर दिया है फिर से आपको ये भरना होगा। इसके बाद आपको सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहां पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, साथ ही जो नेम आपने फॉर्म फिलअप करते समय इस्तेमाल किया है वो नेम भी आप यहां पर देख पाओगे। और अब आपको इस स्टेप के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं वो आप जान लीजिए। साथ ही उसके पहले आप ये भी देख लीजिए जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनका फॉर्मेट जेपीजी यानी कि इमेज के तौर पर होना चाहिए। साथ ही जो आपका इमेज का साइज है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सबसे पहले आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जहां पर भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूं क्योंकि मैं इस फॉर्म को पर्सनली फिल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी होगी। तो चलिए मैं रैंडम इमेज यहां पर अपलोड कर देता हूं और इसके बाद मैं यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा डाउनलोड। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए इसका मतलब जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। फिर यहां पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो अगली फाइल है वो भी अपलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड करके या फिर इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सही भी है फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी होगी। तो आपको 10th की मार्कशीट को भी स्कैन कर लेना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है उसको ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी जो फाइल है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको एक एक करके ही अपलोड करनी होगी बेसिकली। तो चलिए मैं फिर से 12th की मार्कशीट का जो इमेज है वो अपलोड करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर हमारे 4 जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको GNM BSc नर्सिंग कोर्स या तो आप अगर GNM से अप्लाई कर रहे हो, आपने GNM की क्वालिफिकेशन दी है तो GNM का सर्टिफिकेट अपलोड करें, नहीं तो BSc नर्सिंग का। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि मध्य प्रदेश का होना चाहिए वो अपलोड करना होगा, उसकी स्कैन कॉपी। तो यहाँ पर आपको फिर से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। इसके बाद एक्टिव नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी आपका एक्टिव नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है मध्य प्रदेश के अंदर उसका जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास आपको वो भी अपलोड करना होगा। आपको उसको स्कैन कर लेना है, फिर यहां से ओपन करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही यहां पर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप सबमिट पर क्लिक करने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर अपलोड किए हैं वो आप डाउनलोड पर क्लिक करके या फिर यहां पर अटैच के ऊपर क्लिक करके चेक कर लें कि आपके द्वारा जो इमेज अपलोड हुआ है वो सही भी है या फिर कोई गलत इमेज अपलोड हो गया है। अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और यहां पर आई एग्री के ऊपर तो क्लिक है ही, तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जैसा कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। अब आप यहां पर जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी जानकारी को एक बार चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही कर पाओगे। और नीचे आप यहां पर
पर अपनी एप्लीकेशन फी की जानकारी भी देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन फीस के बारे में कहीं पर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने उसमें आपको बोल दिया था कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, पर यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फीस देनी है ओबीसी कैटेगरी को वो ₹600 है, 508 आपकी एग्जामिनेशन फी और बाकी जो GST और SGST लगती है उसको मिला करके आपको ₹600 देने होंगे। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली पूरी जानकारी है, आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है। और आप चाहे तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने से पहले प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी का या फिर अपने फॉर्म का प्रीव्यू या प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद ही मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सेव कर ही लेता हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, अगर जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओके करना है। अब जैसे ही आप ओके कर दोगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली जहाँ से आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है उस पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, चाहे वो आपका SBI का हो या फिर अन्य बैंक का हो। अगर आप IMPS के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और UPI के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो ज़्यादातर लोग फॉर्म फिलअप फीस जमा करते हैं वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिस भी कार्ड से आप करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के मेन पेज पर भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आप कार्ड के माध्यम से नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर वॉलेट के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट डालनी होगी, CVV डालना होगा और फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट होगी वेबसाइट और फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और दोस्तों यही आपकी जानकारी है कि जिस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर किसी ऑप्शन के अंदर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, या फिर आपको ये जानकारी अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबसे जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।